नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बड़ी बहू के जीवन का अर्ध सत्य। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। पद्मा को आज दो घड़ी चैन से बैठने की फुर्सत भी नहीं थी। वो कभी सजावट का काम देखती तो कभी खाने पीने की व्यवस्था। आज उसकी देवरानी सुनिधि की गोद भराई जो थी, सुनिधि की गोद भराई की रस्म की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी पद्मा के ऊपर ही थी। पद्मा भी बहुत प्रसन्न होकर उल्लास के साथ सारे काम निपटा रही थी। आखिर सुनिधि उनके घर के आंगन में जल्दी ही नन्हे मेहमान की किलकारियां जो सुनाने वाली थी। सुबह से वो भाग दौड़ में लगी हुई थी। पद्मा की सास कलावती जी भी बहुत प्रसन्न थी। बड़ी बहू ने तो उन्हें अगली पीढ़ी के बच्चे के लिए तरसा ही दिया था। 5 साल हो गए थे बड़े बेटे की शादी को, लेकिन बहू की गोद सुनी ही थी। और छोटी बहू ने शादी के साल भर के अंदर ही खुशखबरी सुना दी थी, जिसके कारण छोटी बहू का मान उनकी नजरों में स्वतः ही बढ़ गया। अब बड़ी बहू केवल काम करने भर के लिए ही रह गई थी। पद्मा भी हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, मानो बच्चे न पैदा करने की कमी को वो अपनी सेवा भाव और कर्मठता से भर देना चाहती हो। लेकिन अथक परिश्रम करने के बाद भी उसके कार्यों का कोई महत्व नहीं था। वो अभी भी सबके लिए एक बंजर भूमि ही थी, जिसे प्रेम और स्नेह भरे शब्दों से सींचना लोगों को गवारा नहीं था। गोद भराई की रस्म के लिए बुआ जी भी आ पहुंची। पद्मा को वहां देखकर वो मुंह बनाते हुए कलावती जी से बोली, अरे रे, ये मनहूस यहाँ क्या कर रही है? ऐसे शुभ कामों में इसे क्यों शामिल किया हुआ है? कलावती जी व्यंग से बोली, अरे नहीं नहीं, ये बस काम कर रही है। रस्म के समय इसे थोड़े ना यहाँ रखूंगी, इसे भीतर इसके कमरे में भेज दूंगी। पद्मा के कानों में सारा वार्तालाप किसी दहकते हुए ज्वालामुखी की भांति पड़ रही थी। तभी कलावती जी बोली, बड़ी बहू, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम अपने कमरे में चली जाओ और जब तक बुलाया न जाए तब तक तुम कमरे से बाहर मत निकलना। पद्मा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके प्राण हर लिए हो। उसका सारा उत्साह पल में धूल में मिल गया। वो किसी मशीन की भांति सासू माँ के निर्देशों का पालन करते हुए वहां से चल पड़ी, मानो उसके कदम बस घिसटते जा रहे हों। कलावती जी ने फिर टोका, बहू, अब क्या कमरे तक जाने में साल भर लगाओगी? ये बड़ी बहू बिना किसी काम की नहीं। सास के ताने सुनकर उसके भीतर बिजली सी फुर्ती भर आई और पद्मा दौड़कर अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिसकते हुए सोचने लगी, कमी उनमें है और बच्चे के लिए ताने सब मुझे देते हैं, ये अपना इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। आखिर मैं कब तक सासू माँ और बाकी दुनिया वालों के ताने सुनूं? जब 3 सालों तक वो माँ नहीं बन पाई तो पति पत्नी दोनों ने जांच करवाई। रिपोर्ट लेने उसका पति सूरज ही गया था। जब तक वो घर नहीं आया तब तक पद्मा भगवान से रिपोर्ट सही आने की मनौतियां मांगती रही। लेकिन उस दिन किसी देवता ने उसकी पुकार नहीं सुनी और सूरज मुंह लटकाए हुए घर आया और उसने पत्नी को बताया कि कमी उसमें है। पद्मा तो ये सुनकर टूट ही गई, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे पति को भी तो सहारा देना था। उसने सूरज को हिम्मत बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, हम सही इलाज करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। सूरज ने तब उदासीन भाव से संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए कहा था, देखेंगे। पद्मा को लगा था कि अचानक से ये बात पता चली है तो सूरज फिलहाल सदमे में है, लेकिन समय बीतता गया और सूरज ने उस बारे में दोबारा कोई बात ही नहीं की। पद्मा ने जब भी ये बात उठाई तो सूरज कभी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं होता। पद्मा को लगने लगा था कि सूरज इलाज करवाने से इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि इससे उसके पुरुषत्व पर चोट लगता है। पद्मा बहुत निराश रहने लगी थी। उसकी सास उसे ताने मारती, दुनिया वाले उसे मनहूस समझते, लेकिन वो ये सच्चाई किसी से कह नहीं सकती थी कि कमी उसमें नहीं बल्कि उसके पति में है। पद्मा आज भी अकेले बंद कमरे में गर्म आंसू बहाए जा रही थी, फिर भी उसके हृदय में धधक रही अग्नि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी।
सूरज ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इस बार के अपमान पर उसने तय कर लिया था कि वो सूरज के आते ही उसे इलाज करवाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार कर लेगी। 2 दिनों के बाद जब सूरज वापस आया तो पद्मा का बुझा हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि जरूर ये तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है। रात को एकांत मिलते ही पद्मा ने रोते हुए उसे सारी बातें बता दी। उसने सोचा था कि सब कुछ सुनने के बाद सूरज इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सूरज से पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी रात पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया और सबके सामने कह दिया कि आज के बाद से मेरी पत्नी को बच्चे के लिए कोई ताने नहीं देगा, क्योंकि कमी मुझ में है, मेरी पत्नी में नहीं। इतनी बड़ी बात एक झटके में कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सभी लोग उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। पद्मा ने भी नहीं सोचा था कि सूरज ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसे अब झुंझलाहट होने लगी कि ऐसे सबको बताकर क्या मुझे मातृत्व का सुख मिल जाएगा। इससे अच्छा तो ये डॉक्टर के पास चलते हैं। वो बहुत मायूस हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे, कैसे अपने पति को समझाए। धीरे धीरे वो सूरज के प्रति उदासीन रहने लगी। उसे गुस्सा बस इस बात का था कि यदि समस्या है तो सूरज उसका समाधान निकालने की कोशिश तक क्यों नहीं कर रहा है। एक दिन वो कबर्ड में से कुछ कपड़े निकाल रही थी, तभी उसने देखा कि तिजोरी ठीक से लॉक नहीं है। आमतौर पर सूरज उसे बंद करके चाबी अपने पास ही रखता था, लेकिन उस दिन हड़बड़ी में शायद तिजोरी अच्छे से लॉक नहीं हुई थी। पद्मा ने तिजोरी बंद करना चाहा, तो उसकी नजर एक काले रंग की फाइल पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने फाइल खोलकर देखा तो वो सन्न रह गई। उसमें सूरज और पद्मा की रिपोर्ट्स थी, जिसके अनुसार पद्मा कभी मां नहीं बन सकती थी और सूरज में कोई कमी नहीं थी। पद्मा के हाथों से फाइल छूटकर गिर पड़ा। उसके पति ने दुनिया के तानों से उसे बचाने के लिए खुद में कमी बता दी थी, ताकि कोई उसकी पत्नी पर उंगली न उठाए। और पद्मा सूरज पर झुंझलाती रही कि वो इलाज करवाने क्यों नहीं जाता। अब वो क्या इलाज करवाता जब उसमें कोई कमी ही नहीं थी। अपने पति का प्रेम और त्याग देखकर पद्मा की आंखें छलछला उठी। उस दिन तो उसके पति ने उसे आधी सच्चाई ही बताई थी, लेकिन आज वो अपने जीवन के छिपे हुए अर्ध सत्य को जान गई थी। शाम को सूरज के ऑफिस से घर आते ही वो उससे लिपट कर खूब रोई। सूरज तो घबरा ही गया, लेकिन जब पद्मा ने उसे बताया कि वो सारी सच्चाई जान चुकी है तो सूरज उसे दिलासा देने लगा। पद्मा ने रोते हुए पूछा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। सूरज ने रूंधे गले से कहा, तो और मैं क्या करता, सच्चाई बताकर तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता था। बाकी के घर वाले भी पहले से ही तुम्हें कोस रहे थे, इसलिए सब मैंने अपने ऊपर लेने का निर्णय किया, ताकि आगे से कोई तुम्हें कुछ न कह सके। और तुम्हें मेरी कसम है, जो तुमने ये सच्चाई किसी और को बताई, और जहां तक बात है तुम्हारे अधूरे मातृत्व की, तो हम दोनों मिलकर जल्दी ही एक बच्चा गोद लेंगे, जिसके बाद न केवल हम माता पिता बन जाएंगे बल्कि एक मासूम का जीवन भी संवर पाएगा। पद्मा भावुक होकर पति के गले लग गई। आज वो पति की बाहों में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसे अपने पति के प्यार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।